देखो इस रोंडे का कॉन्फिडेंस देखो, बाबा आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है पूछ रहा है महाराज। तुम्ही क्या व्यक्ति ना कॉल करता हा? झूले लाला ए का ह्या वेळेस साला, उत्तर देत नाही. झूले लाल उपरा, झूले लाल साला, ये झूले लाल नाम कौन रखता है? हेलो। चूना लाल को लगा दिया, चूना लाल। हाँ कौन है तू, कहाँ मैं भक्त हूं बाबा का। से है? मैं इंस्टाग्राम से हूं। ए रुक चुप, भाग माधव छोड़. अरे रुको ना, हेलो 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 हेलो. हेलो. अरे इतनी रात को फोन क्यों किया है माधव चोद? हेलो हेलो, काट दिया माधव चोद ने. मराठी था यार, इसको गाली देने का मन कर रहा था पर काट दिया. आईडी चिमटी हुई है यार, दो आईडी चिपके हैं ना, साला फोन नहीं उठाएगा. हाँ लग तो गया. भाई इसकी डीपी देखो इस बंदे की, ये जिसकी आईडी पिन किया है भाई, इसकी डीपी देखो साले की, ऑफिशियल मनीष की. इसको ऊपर बुलाता हूँ भाई यार, देख रहे हो डीपी, देख रहे हो भाई इसकी डिक्लाइन क्यों कर रहा है, ऊपर आना. अब एक चिपकी है, अच्छा एक से तो कोई दिक्कत नहीं है. पनोड़ी भाई क्यों नहीं आ रहे? माँ के लौड़े साले, रंडी के बच्चे की तरह डीपी लगाया है भड़वे, मर्द के नाम पे कलंक रे तू मादरचोद. पनोड़ी भाई फ्री नहीं हुए हो क्या? अरे बहुत गर्मी यार जी, यार भैंचो 100 डिग्री है यार, मतलब हंड्रेड ओ मत, फ़ारेनहाइट। हाँ, नहीं आप तो 100 डिग्री सेल्सियस भी बोलते तो भी मान लेता मैं तो. अरे नहीं, मतलब के इतना मैं तो आदमी जल जाएगा यार, क्या बात कर रहे। मतलब के ये भैंचो गर्मी भी आज इतनी है, ह्यूमिडिटी भी इतनी है, तो अच्छा नहीं लग रहा यार, मूड नहीं बन रहा है। तो फिर रहने दो, मत चले जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है. मैं तो सोचा बैठे हो इसलिए ऐड किया. अछूत बुद्ध दिखा दो तो कुछ मूड बनेगा यार, तुम्हारे तो बहुत भक्त है ना। अरे यार मैं ऐसे नहीं बात करते यार, लड़की लड़के प्यार करती हैं, मैं उनसे कभी भी इस तरीके से गंदी बातें नहीं करता यार पनोड़ी भाई. यार रुको यार, मैं किसी को ऐड कर लेता हूँ. भाई आप में से कोई भी लोग अगर रिक्वेस्ट भेजिए यार, साला यही मतलब रिक्वेस्ट के भेजता है, ये व्यूअर दिखा देंगे यार आपको. अरे नहीं यार, मतलब के इतनी गर्मी है, अगर कोई गरम चूत देख ली तो ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी ना, इसीलिए। हाँ एक कैमरा ऑन अरे करे आप. पनवाड़ी भाई, बाबा क्या ले, तुमको अरे यार पहले कैमरा ऑन कर. पता है मैं यार मोहब्बत करता हूँ बहुत ज्यादा पनवाड़ी भाई और बाबा से, दोनों से। अच्छा इसके कितना देख लो पिया यार है तुमने? पनवाड़ी भाई. मैं यूरोप में हूँ। अरे तूने पिया कितना है ये बता। अरे पिया कहाँ है यार, बैठा हूँ मैं तो घर पे, रूम पे बैठा हूँ मेरे। अच्छा, और सुनाओ क्या हाल है? तूने मर्किड इसकी चाबी नहीं दिखाई यार। यार पनवाड़ी भाई तुमको दिखा दूंगा कल, यार कल देख लेना, मेरे बाप अरे यार यार चोर भी चाबी ऐसे कर तो रहे हैं। यार ऐसे ही हम बहन चो मतलब के जेब में रख देते हैं, मतलब कहीं ऐसे ही घर में फेंक देते हैं, चाबी में कौन सी बड़ी बात है यार। पनवाड़ी भाई सुबह में ऑफिस जाऊंगा ना, जब गाड़ी चला के जाऊंगा ये अरे तुमको सुबह में यार कॉल। मैं तुझे कहाँ बोल रहा हूँ कि तू अपनी पूरी कार दिखा, मैं तो सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ। अब सुबह में भाई लाइव आएंगे या नहीं आएंगे भाई, इंडिया की रात को मतलब मॉर्निंग को ये बंदा सो जाता है, मैं भी इंडिया अमेरिका की रात को सो जाता हूँ,
तो थोड़ी भाई कोई लाइव बाइव आता है, तो इससे बेटर ये अभी दिखा दे यार, चाबी दिखाने में क्या है बता। मेरे यहाँ पे अभी 10:30 बजी है। अरे 10:30 बजी है या 12:30 बजी है, चाबी तो तुझे सिर्फ कैमरे में ही दिखानी है ना मेरे भाई, कौन सी बड़ी बात है उसमें। अरे यार तुम नहीं मानोगे ऐसे यार, अरे दिखा दो यार ना, लेकिन दिखा चाबी दिखाने में दो, क्या है यार, मैं कौन सा तुझे कुछ और बोल रहा हूँ कि भाई ये दिखा, चाबी तो दिखा दे इस। कैमरा ऑन करके, जवाब दे दे यार इन लोगों को आज। हाँ भाई, तू अपने नमकिन दिखा सकता है, तू अपने चेंज दिखा सकता है, तो दिखा चाबी नहीं दिखा सकता क्या? दे खिलौने यार भाई, यार। क्यों दे? गिरे बाबा मेरी बात सुनो बाबा, अच्छा नहीं है तेरे पास तो मना कर दे कि भाई नहीं है, झूठ बोला है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं नहीं झूठ नहीं झूठ बोला नहीं, मैंने, नहीं नहीं इसके पास है बाबा, ये दिखाएगा, मतलब ये थोड़ा भाव खाता है, दिखा दे यार। दिखाएगा अभी। भाव खाने की बात नहीं है बाबा, यार एक बात बताऊँ मैं आपको, नीचे पार्किंग में जाना पड़ेगा यार, पता है आपको यार। अबे अरे चाबी दिखाने चाबी को बोल रहा तो है। बहन चो, ये कौन सी बात हो गई यार, तुम तो चूतिए वाली बात करते हो भाई। मेरी आज मैं कार लेके नहीं आया हूँ, 1 मिनट रुको भाई, अगर मेरी चाबी मेरी जेब में हो ना तो मैं दिखाता हूँ, रुको भाई। आज मैं सुबह कार लेके निकला था, फिर शायद मेरी जेब में ही चाबी रह गई है, 1 मिनट रुको दिखाता हूँ भाई मैं। अरे लो तू दिखा दिखाता दे हूँ यार भाई, भाई यार, हाँ भाई दिखा ये दे रहे भाई, देख। लो लो लो। अब तू मुझे ये बता भाई, ये चाबी दिखाने में क्या है, ये रही चाबी देख, ये दिखाने में क्या है, मेरी बीएमडब्ल्यू खुद की कार घर पे पड़ी है, आज मैं चल के आया हूँ स्टोर पे। कौन सी गाड़ी है आपकी? अरे मेरे पास तो वही है यार, निशान बिशान कार है मेरे पास, मैं इतनी महंगी कार एफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तो ये बीएमडब्ल्यू की चाबी क्यों दिखा रहे हो? दिखाओ चाबी, दिखाओ वापस। अरे ये तो मेरे पापा की कार है ना, तो वो लेके आज गया था मैं, मेरे पास तो निशान है यार। पापा के पास कौन सी है? अरे बीएमडब्ल्यू है मेरे पापा के अरे तू पास। उनके बाप पे थोड़ी पूछ रहा है यार, तू अपना बताना यार। बाबा तुम बात तो करने दो, काटते क्यों बीच में? लो देखो, देखो दिखाओ दिखाओ ये देखो मर्केडिस की यार, चाबी दिखाओ भाई, मर्केडिस देखो भाई, मर्केडिस की चाबी साला दिख रहा इतनी है भाई देर से मैं। भाव क्यों खा रहा था? अरे बाबा यार तू बात समझते नहीं है। अरे नहीं नहीं यार, बंदे के पास है बाबा, मर्केडीज है यार, क्या बात कर रहे हो, फिर सिक्का दिखा रहा है। बाबा मर्केडीज दिखाओ भाई, माँ चौथ द्वार पब्लिक की दिखाओ, दिखाओ क्या दिखा मर्केडीज। रहा था? अरे यार तू पूछा भी देगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी ये दो चार चाबियां निकाल के ऐसे बेड में फेंकेगा, यहाँ पे तो मर्केडीज का साले कोई लोगो दिख नहीं रहा है ये भैया। मार्केट की चाबी भी नहीं है पनोड़ी भाई ये बीएमडब्ल्यू में देखो भाई। ऐसा लोगो दिखता है, देखो भाई ऐसा लोगो दिखता है साला बीएमडब्ल्यू में, देखो ये ऐसा आल्टो की लोगो चाबी भाई, दिखा के चला गया। मर्केडीज अरे में ऐसा लोगो तो दिख नहीं भाई, लोगो को तो दिखाओ मर्केडीज का। बाबा अरे यार तू खुद बोला कि तेरे पास मर्केडीज है, तो हमने बोला चाबी दिखाओ, अब तू साले दो कौड़ी की वैगनार की चाबी दिखा रहा है यहाँ पे तू। बोलने की शर्म कर ले, कब से बड़ी बड़ी बात है, चोदे जा रहा है, चोदे जा रहा है। बाबा तुम्हारी कसम भाई की पकड़, बस कल सुबह तुमको ना मर्सिडीज भेड़ की लाउड़ी में घूम के दिखाऊंगा तुम्हें, और बोलो बस। साले ये तो स्विफ्ट से भी नीची कार यूज करता अरे नहीं भेड़, तुम भी यार बकचोदी जो 10 लाख की अरे गाड़ी है। बकचोदी कहा भैया, मर्केडीज की चाबी के ऊपर उसका लोगो होता है, मर्केडीज का होंडा की मेरी कार बात के ऊपर भी सुनो, उसका लोगो होता है साठ 60,000 किलोटी की गाड़ी ली है भाई। भाई मुझे तो लगता है कि ये ना ये इसके पास कार ही नहीं है, ये हर रोज बस में आता जाता है, ट्रेन पकड़ के जाता है दिहाड़ी पे, ये झूठ बोल रहा है। और अगर तुमको सुबह को दिखा दी तो फिर क्या करोगे? रोज अरे लेना देना क्या है यार, हो है तो दिखा दे मर्सिडीज यार, उसमें कौन सा बेंच हो तेरे से कोई हवाई जहाज देखने को बोल रहे हैं। एक वो तो आपको हाँ बोलो, आपको मैं दिखा दूँ, हाँ। इसमें क्या मिलेगा अरे आपको? मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा कि भाई मेरी लाइफ पे बाबा की लाइफ पे भी भाई रिच लोग आते हैं, वरना यहाँ पे इसकी माखी चूत, इसकी ऑटो ड्राइवर और ये कबाड़ी बाज और
ये चप्पल चोरी आते हैं, तो मुझे अच्छा फील होगा कि भाई देखो हमारी लाइफ पे भी अमीर लोग आते हैं जिसके पास बेंजो मर्किडीज जैसी कार लेके आते हैं ये लोग। तो मैं तेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं व्यूअर्स को दिखाना चाहता हूँ कि भाई देखो मेरे फैंस इतने भी अमीर है। पनवाड़ी में भूख लग रही है। अरे वो तो पता है मुझे कि अब तेरा झूठ पकड़े जाने वाला है, तो तुझे भूख भी लगेगी, अब तुझे सुसु भी आएगा, अब तुझे सब कुछ होगा। साला उस समय नमकीन खाया था 1 पैकेट अभी 15-20 मिनट पहले, 1 घंटे पहले, फिर से। मेरी बात सुनो बाबा। हेलो यार भाई तू भाई, चला जा अब यार, तो दूसरे भाई को ऐड करते हैं। अब मैं मैं दूसरे बहुत को ऐड खतरनाक करेंगे आदमी हूँ। हाँ स्टार्ट वही भाई, इसको मैं अब बहुत एक मिनट खतरनाक आदमी एक हूँ। एक मिनट का टाइम दो इसको, 1 मिनट का टाइम दो। 1 मिनट में अगर ये बंदा चाबी नहीं दिखाता है ना बाबा, तो इसको पहले ब्लॉक करो, उसके बाद इसको निकालो लाइव से। बाबा तुमको मेरी कसम है, अगर ब्लॉक किया तो आपने, बाबा तुम्हारी कसम, तेरे को ब्लॉक कभी मत करना, मैं आपकी रोज लाइव देखता हूँ, ब्लॉक मत करना बस, ठीक है, चला जाओ। मैं जा रहा हूँ, वैसे जा रहा हूँ प्यार से, ब्लॉक मत करना। हाँ चले जाओ, खुद से चले जाओ, तो चिपकेगी नहीं आएगी। हाँ क्योंकि मैं आपकी लाइव को शेयर हाँ करता हाँ रहता हूँ चला सबके, जाओ, बाबा हाँ देखता रहता, मेरी लाइव देखता मैं रहता। आपकी लाइव को शेयर करता हूँ, बाबा तुम मेरी बात सुनो, बाबा हाँ मेरे को हाँ ब्लॉक मत करना, बाबा बाबा मेरी बात सुनो, अरे बाबा हाँ ब्लॉक कर दिया यार, नहीं बाबा, करूंगा यार, बाबा चला जा यार मेरे भाई आपको यार। मेरी कसम, बाबा ब्लॉक मत करना प्लीज बाबा। अब एक लड़की की रिक्वेस्ट आई है, चला जा भाई प्लीज यार। साला बहुत चाटू था यार पनोड़ी भाई ये। अरे झूठ बोल रहा था बाबा, ये बंदा नमकीन खा के अपना गुजारा कर रहा है, वहां से पता नहीं चलता, रात पर को 10:30 बजे बेचारा नमकीन खा रहा है। अच्छा है, फनी कैरेक्टर। मेरे को तो वैसे कोई भी अच्छे लग जाते हैं यार, फिर मेरे को बाद में पता चलता है वो गंदे लोग हैं। ये साला फेक आईडी है, ऐसा अच्छा लड़की होगी। आप बोल रहे थे ना कि लड़की को देखना है आपको, इसलिए मैंने इसको ऐड किया था। हेलो अब देखो ये मादा चोदो के चक्कर में आईडी चिपक जाती है, रंडी का बच्चा। भाग तेरी माँ की चूत। नरेंद्र चौधरी, ये स्वैग वाला बंदा लग रहा है ये भी। आजा भाई नरेंद्र चौधरी। हाँ ये आ गया। हाँ बोले थे ना स्वैग वाला। कैमरा ऑन कर ले यार भाई यार। ले मित्र, ये है क्या मर्सिडीज? भाई देखो ये देखो इसको, अरे बैंचो इसको बोलते हैं, देखो भाई ये मर्किडीज दिखाई इसने, देखा इसको बोलते हैं बैंचो टोरा, देख लो भाई ये कौन सा मॉडल है भैया ये मर्किडीज का। 2015। अरे नहीं, मतलब कौन सा मॉडल, इन द सेंस के ये सी सीरीज है, कौन सी सीरीज है ये। अच्छा, भाई देखो इसको मर्किडीज बोलते हैं, 2015 की है, मतलब 8 साल पुरानी कार है ये, ठीक है। पर ये मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है ये ट्रक है, कार ही है ना? हाँ कार है साला। नहीं लोग कह रहे मतलब ट्रक है। जनता कुछ भी कहाँ कर से हो सकती है भैया तुम। बाबा, हरियाणा। हाँ मैं तो बोल पनोड़ी भाई, पता नहीं पर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ट्रक है यार, अब क्या बोलूं मैं अब। मर्सिडीज वाले ट्रक बनाते हैं। हाँ यार बस भी बनाते हैं पनोड़ी भाई। अरे भाई ट्रक तो बहुत महंगा आता होगा यार मर्सिडीज का, ये तो 2015 का मॉडल है, 2015 में बनाते थे ये लोग ट्रक। यार तुम अपनी बाजू वाली सीट दिखाओ भाई यार, थोड़ा सा कार का इंटीरियर दिखाओ ना यार। 2 मिनट रुको बाबा, हाँ मुश्किल ना। और पनोड़ी भाई कैसे हो? बस भाई मैं तो ठीक ठाक हूँ, और भाई क्या करते हो तुम हरियाणा में। कुछ नहीं, बस टाइम पास। अच्छा, तो तुम्हें भी तो अरे यार किराया ही सुन, आता होगा। हाँ भैया तुम्हें भी, साला ट्रक है पनोड़ी भाई, मैं बोल रहा था ना ट्रक चलाता है हरामी, उसकी प्रोफाइल जाके चेक किया मैंने, ट्रक ड्राइवर था साला। वही मैं बोला इतनी गाड़ी कैसे हिल डुल रही है, साला ट्रक ड्राइवर है यार।
यार पनोड़ी भाई। कोई नहीं है जो अमीर। चूतिया बनाते था दादिया आदल तो। टैब आई है मोस्ट बोरिंग गर्ल। आधे इंस्टाग्राम को तो इसने ब्लॉक करके रखा हुआ है। हेलो पनोन। नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों को अनब्लॉक कर दिया है। क्या बात कर रहे हो, बहुतों को अनब्लॉक कर दिया मैंने। हेलो पनोनी, कैसे पनोनी यार, मुझे कुछ सुनने में मिल रहा है, ये सब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आपकी स्क्रीन ब्लैक है। अरे वो क्या सुनने में मिल गया, बग है वो। तुझे क्या सुनने में मिल गया? भेज दूंगी तुमको मैं। अरे भेजो मत, बोलो यहाँ पे ही बोलो। तुम्हें नहीं पता बड़ी मुश्किल से तो मेरा रिश्ता बना है। तुम्हारी मुश्किल से रिश्ता बना है तो मैंने तो तुम्हारे रिश्ते में आने की कोई कोशिश ही नहीं की है। आपने कोशिश नहीं की, पर ये व्यूअर जो है ना, ये कान भर रहे हैं, पता है आपको? किसके कान भर रहे हैं? लविश के कान भर रहे हैं। अच्छा, एक स्क्रीनशॉट दिखाया उसने, कहने लगे ये तुम्हें पनौड़ी की बीवी क्यों कह रहे हैं। मैंने कहा यार ऐसी कुछ भी बोल देते, तुम इस बात को सीरियस क्यों ले रहे हो। मैंने उसको ऐसी भाई देख, हमारी तो डील ये हुई है कि पहले अगर लवेश मिलेगा तुझे तो तू लवेश के साथ जाएगी, अगर पहले तू मुझे मिलेगी तो तू मेरे साथ जाएगी। अच्छा, ये डील मतलब तुम दोनों ने खुद फाइनल करी है? अरे नहीं नहीं मतलब लवेश ने मुझे बोला कि पनौड़ी भाई क्या करना है। मैंने बोला भाई देखो हमारा तो भाईचारा है, ठीक है, तो मैंने बोला अगर तुम जाते हो तो तुम मिल लियो, अगर मैं जाऊंगा तो मैं मिल लूंगा। अच्छा, अब मेरी मर्जी कुछ नहीं है, तुम दोनों की चलेगी। हाँ, लेकिन हमने मतलब के डिवाइड कर लिया है कि अगर वो तुम्हारे साथ कुछ आगे करेगा तो मैं आगे नहीं करूंगा। फिर आगे करेगा, आगे नहीं करूंगा मतलब? अरे मतलब तुम्हारे साथ वो फिजिकली सब कुछ करेगा अगर वो। अच्छा, तो नहीं, नहीं नहीं अगर वो भी होगा शादी के बाद होगा, शादी से पहले कुछ नहीं होगा। मैं ऐसे किसी मत पे ऐतबार नहीं कर सकती, सॉरी। शादी के पहले वेब सीरीज कर सकती हो, पनौड़ी भाई कुछ बोलती है तो गलत क्या बोलती है? नहीं नहीं वेब सीरीज तो मैं करूंगी, उसमें क्या, वो तो मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरा काम है ना मलाइका, बिल्कुल तो मेरा काम है, मेरा प्रोफेशन है। वो जो रोज लड़की के साथ, वो जो रोज लड़कियों के साथ रहता है उसका क्या, मैंने तो कुछ नहीं बोला। अच्छा भाई जैसी सिंह, अब तूने कुछ भी बोला ना, ये सुहाना दीदी मारेगी, ऐसा करेगी वैसा करेगी, भाई मैं तुझे यहाँ से ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है? हाँ। मुझे फालतू का नाम किसी के साथ जोड़ना नहीं है भाई। एमएमए, मेरा एमएमए कोई नहीं आया, खामा खा की कुछ भी बोलते हैं लोग। बहन चौदह को 1000 बार समझा चुका हूँ कि भाई सी इज जस्ट माई गुड फ्रेंड, भाई उसकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, माँ के लौड़े समझते ही नहीं है फालतू की बातों को। हाँ, ये लोग फालतू बकवास करते रहेंगे, मतलब दोस्त वो भी सब कुछ बना देते हैं, इतने बेकार। अरे ये माधर चौदह की वजह से तो भाई बहुत जगह पे बहन चौदह में ब्लॉक हो चुका हूँ। माँ के लौड़े जो अच्छी चीजें बोलते है वो तो कभी भेजते नहीं है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, वही बेंचो चीजें भेजेंगे जिसमें बेंचो अगर मैंने किसी गलती से कुछ गलत बोल दिया हो। फिर इंसान को ये लगता है कि तुम गलत बोलते हो, तुम पीछे से हाँ वो करते हो, क्या बोलते? अब इंसान तो बेंचो पूरी लाइव देखता नहीं है, वो तो इतनी चीज देखेगा जितनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी। अब जैसे मेरे पास इनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आई थी कि देखो तुम्हारे बारे में ऐसे बोल रहे थे, एक रंडी चुप हो जा, ये ऐसा क्यों बोल रहा है तुम्हें? वही मैं अभी इस टॉपिक में बात ही करने वाला था पनौड़ी भाई, किसी की लाइफ में कितने भी व्यूअर बैठ जाए बात इसकी आती, इज्जत किसने कितना कमाया है ना। तो अरे बात इज्जत की नहीं है बाबा, वहाँ पे वो फालतू की बातें चोद रही है, बहन की लौड़ी बोल रही है, मतलब दुबई जाऊं के लिए, मतलब अगर आप 100 कमेंट आते तो उसमें 90 कमेंट यार नेगेटिव रहते हैं।
जबकि टैब अच्छे से बात भी करती है पनोड़ी भाई, और वो जनता को प्यार भी करती है, और हम लोग जनता को गाली देते हैं तब भी 90 कमेंट हमारे फेवर में आते हैं। अरे नहीं, अभी उसकी लाइव पे मैं तो 2 मिनट के लिए गया था, मुझे शेयर की थी लोगों ने, तो मैं गया वहां पे, तो लोगों ने नीचे कमेंट किया कि भाई पनौड़ी को ऐड करो, पनौड़ी को ऐड करो। तो रंडी बोल रही है कि भाई जिनकी औकात होती है उनको ही मैं ऐड करती हूँ। बहन चोद बोल रही है कि मैं दुबई जाऊंगी। अरे तेरी बहन की चूत, तेरे पास पासपोर्ट है? सच बताना लोगों को कि तेरा पासपोर्ट तो पुलिस स्टेशन में पड़ा है। मेरे लंड पे जाएगी तू? दुबई दुबई जाना है, दीव नहीं जाना है, समझी रंडी? क्या आ गया बिल्ली? मादर चोद को दुबई को दीव समझ रही है ये चूहा। गरीबों के घर में चूहा आ जाता है। दीव में जाके दो पनोड़ी भाई, आपके घर में चूहा आता है क्या पनोड़ी भाई? क्या हुआ? चूहा आता है आपके घर में? टैब के घर में अभी चूहा आ गया था जहाँ बैठी थी। वो तो मैं दादा से सीखी नहीं हूँ, क्योंकि इतना डर नहीं लगता ना मुझे चूहे से। मैं तो मार भी देती हूँ, मर्डर भी कर देती हूँ। मैं देख रही थी उसकी लाइव वैसे। अरे नहीं, लाइव कोई किसी की भी देख सकता है यार, उसमें कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि यहाँ के व्यूअर्स के परेशान रहते हैं ना, ऐसे ऐसे करके शेयर करते हैं लाइव। जैसे कि मैं उसकी बहुत ज्यादा उसकी मैं उसके मतलब पीछे पड़ी रहती हूँ, मुझे उसकी बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। अरे कोई अपनी जिंदगी में खुशी भरे, मेरे पास बहुत सारा काम है भाई। मैं एक स्टार बनने वाली हूँ, स्टार है ना प्रणी? यार प्रणी, मैंने चाहती थी तुम भी जल्दी से इंडिया आ जाओ, हम दोनों मिलके बहुत सारी फिल्में बनाएंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे लौड़ा इंडिया हूँ, मेरे खुद का पासपोर्ट पुलिस स्टेशन में पड़ा है, कहाँ से इंडिया हूँ? लंड पे उड़ के आऊँ मैं इंडिया? अरे नहीं, ऐसा तो हो ही सकता, तुम्हारा पासपोर्ट क्यों लेगी तो? नहीं नहीं, यहाँ पे बैठ तो मेरा लाइसेंस जब्त होने वाला है अभी कुछ दिनों में। अरे पर तुम तो एक ईमानदार आदमी हो, तुम्हारा ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अरे मेरा लौड़ा ईमानदार हूँ मैं, मतलब यहाँ पे आधे बैठे रखी हुई है मैंने, और ईमानदारी की बात कर रही है तू? अरे पर यहाँ की बात अलग है ना, पर वैसे तुमने वो दुकान किसी छीन तो नहीं थी अमेरिका में जाके जिसपे आप बैठते हो शॉप? अरे पासपोर्ट के बगैर कहाँ मैं तू इसकी कैसे आऊ मैं इंडिया, बता? इंडिया आने के लिए पासपोर्ट तो चाहिए ना। अब तेरी चूत की कालीन के ऊपर मैं बैठ के उड़ के आऊ क्या? तेरी चूत की जो कालीन है, तेरी चूत की जो कालीन है उसके ऊपर मैं उड़ के आऊ क्या इंडिया, और सीधा लैंड हो जाऊ तेरे घर में? आज आपको मतलब आप मतलब भाई बातें करने लगे। अरे यार बैन चोद, इतनी गर्मी है, ऊपर से बैन का लोड़ा कोर्ट के ऑर्डर ऐसे आ रहे हैं। नहीं उससे होगा, आपका कुछ नहीं होगा यार, पर टैब को तो लोग उसी नजर से देखेंगे ना यार, और उस तरीके से गंदे गंदे कमेंट करेंगे। फिर टैब का तो उसके साथ रिलेशनशिप भी चल रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ टैब यार, तुम अगर इस तरीके से लोगों के मुंह से अपने बारे में गंदा गंदा सुनोगी ना, फिर तुम गंदगी ही डिजर्व करती अरे, हो। टैब का उसके साथ रिलेशन नहीं चल रहा है, टैब का इसके साथ सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है कि लवेस इंडिया जाएगा, इसको घुमाएगा फिराएगा, शॉपिंग वॉपिंग कराएगा, मजे काटेगा, और वो वापिस यूएस आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये क्या बोल रहे हो तुम? ऐसा क्यों बोल रहे हो? कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है हमारे दरमियान, आप गलत बोल रहे हैं। नहीं अगर लवेश ने ऐसा बोला, अगर लवेश ने ऐसा बोला कि हाँ पनोड़ी भाई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, तो तू क्या करेगी बता? अगर लवेश ने अपने मुंह से ऐसा बोला कि हाँ पनोड़ी भाई ये बात सच है, घूम गई ना ये, ब्लॉक कर दूंगी अगर उसने कुछ ऐसा बोला तो। उसने मेरे तसव्वुर अगर लवेश ने लवेश अगर लवेश ने ऐसा, तो तुझे क्या लगता है ये अमेरिकन लोग इंडिया घूमने आते हैं? भाई देख, अमेरिका वाले इंडिया घूमने आते हैं ना, तो उन लोगों के लिए ये 5-10-15 लाख रुपया ऐसे 15-20 दिन में उड़ा देना कोई बड़ी बात नहीं होती। वो लोग यहाँ पे आके 2-3 महीने में कमा लेते हैं। यहाँ मैं पैसों की बात नहीं कर रही, यहाँ तो एक रिलेशन की बात चल रही है। अरे तो उसको फंड चाहिए और तुझे पैसे चाहिए, सीधी सी बात है, तो भाई वो आएगा नहीं, इंडिया। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। मैं जितना मुझे पैसा चाहिए मैं कमा लेती हूँ, मुझे किसी की पैसों की नीड नहीं है, बता दूंगा।
यहाँ मुझे बहुत लोगों ने बोला हमसे 20 ले लो, हमसे 30 ले लो, हमसे 50 ले लो। भाई ये राजभाई इंडिया गए थे तो उन्होंने क्या किया भाई? 15-20 लाख रुपया वो बंदा वहाँ पे दुबई बुबई में सब जगह पे स्पेंड करके आया, कितनी बंदियों की इसने चूट ले ली। अब वो सबसे शादी थोड़ी करेगा, वो पागल है क्या तू? अरे यार पर ऐसा नहीं होता ना पनौड़ी यार, मतलब कुछ फीलिंग भी। अरे लौड़ा नहीं होता, सब ऐसा ही होता है भाई। वो बंदे ने आके तुझे वेंचर एक्सपेंसिव ब्रांड्स में जल ले जाके तुझे शॉपिंग करवाया भाई, उसने तेरी सारी जरूरियातों को उसने संभाल लिया, तो क्या तू अपनी टांगे नहीं खोलेगी उसके सामने? नहीं मुझे नहीं चाहिए ना कुछ भी, मुझे चाहिए ही नहीं। अरे वो तो तू अभी मना कर रही है, मेरे पास अल्लाह का दिया वो सब कुछ है। अरे अभी तो तू यहाँ पे ऐसा बोल रही है, लेकिन तू खुद उसको बोलेगी कि बेबी अब टांगे थोड़ी खोल दो यार। तो भाई तुम कैसी बातें कर रहे हो पनौड़ी, तुम्हें क्या हो गया? तुम पहले ऐसी बातें नहीं करते थे, कहाँ बैठ रहे हो आजकल तुम? काले लोगों के साथ, काले लोगों के साथ बोल रहे हो तुम, काली बातें करने लगे मत भाई। ये काले लोग यहाँ पे ऐसे ही होते हैं, ये काले लोग है ना चूत को भाई, यहाँ के काले लोग बाबा मैं सच बताता हूँ, काले लोग यहाँ के है ना औरतों को लंड पे रखते हैं, सच बता रहा हूँ भाई मैं बात। भाई एवरी सिंगल सेकंड बेंच ऑफ बीच बीच एवरी सिंगल सेकंड अपनी बंदी को ये लोग रंडी बोलते हैं, हॉर बीच ये लोग तो एक एक मिनट में बोलते हैं अपनी बंदी को। किस तरीके से बोलते हैं? टांगे खुलने लगी इसकी, देखो पैसों की बात आते ही। तुम्हें बड़ी दिख रही है मेरी टांगे? टांगे मत दिखा दियो वरना तेरा अंडरवियर दिख जाएगा आज तो। अंडरवियर नहीं, मैंने अंदर शॉर्ट्स पहना हुआ है, जब मिनी पहनूंगी तो ऑब्वियसली शॉर्ट्स पहनूंगी इसके बराबर का। टांगे चौड़ी करो टाप, टांगे चौड़ी करो व्यूअर्स की। मैं नहीं कर रही ऐसा कुछ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मेरे सामने एक लड़की को प्रताड़ित कर रहे हैं आप, ये लड़की भी कैसी है? अरे मैं प्रताड़ित नहीं कर रहा हूँ भाई, नीचे बहन के लौड़े बोल रहे कि टाप को बोलो दो टांगे चौड़ी करे। वो इस तरह के इंसान लाए, वो उस तरह के लाए चलाते हैं ठीक है ना? टैब यार तुम इतना फेम लेके, मतलब मैं होता है यार तुम्हारी जगह पे लड़की में तो लाइफ छोड़ के चला जाता है यार, ऐसा फेम का क्या करूं? अरे नहीं नहीं यार बाबा तुम ऐसी उल्टी बात मत करो, टैब अपनी अच्छी दोस्त है पिछले 2-3 साल से, अच्छी लड़की यार ये, मतलब मजाक मस्ती करती रहती है ये, ऐसी कोई बात नहीं है यार। मजाक में जनता थोड़ी समझ रही है, जनता तो उसी नजर से देखेंगे ना। अभी तो नीचे लोग कमेंट कर रहे थे व्हाइट कलर की अंडरवियर पहनी है, जो जनता को तो ये नंगी दिखाई रह रही है, तो ये नंगी बैठी है क्या? अब बाबा हमें भी क्या पता तुम अब के मेरा क्या कर रहे हो वो। सही बात है। आप तो मेरे ऊपर डाल देते हो यार, बस कैमरे में भी रोस्ट कर देते हो आप। भाई सुन टाप जी, भाई देख मतलब स्कूल प्लान बना, लविंग के बारे में जो बातें कह रहे हो ये सच है क्या? भाई देख तुझे पता है कि मैं कभी है ना लाइफ पे बकचोदी करता हूँ, तो बकचोदी की बात बकचोदी, चल अभी तक तो सारी बकचोदी थी, लेकिन अब मैं सीरियस हूँ। मुझे खुद लवेश ने, मैंने लवेश को बोला कि लवेश भाई आप सीरियस हो टाप को लेके? लवेश ने मुझे ये बोला कि देखो पनौड़ी भाई मैं तो इंडिया जाने वाला हूँ अपने काम से, ठीक है, लेकिन अब ये टाप मेरे पीछे पड़ी हुई है, तो अब मुझे दूसरी कोई लड़की की कंपनी ढूंढना उससे बेटर ये है कि मैं टाप को ही अपना हम सफर बना लूंगा 15-20 दिन के लिए। 15-20 दिन के लिए ऐसा बोला उसने? लाइव रिमेनिंग पनौड़ी भाई ये तो ऐसी बात चालू कर लो लाइव यार, तूने तो